हेलो इफ्रा, कैसी हो? फरमाइए। एक अच्छी खबर है, मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर लूं। अच्छी खबर है तो अपने घर वालों से शेयर करें ना, मुझसे क्यों? मैं तो तुम्हें अपनी घरवाली, मेरा मतलब अपने घर वालों की तरह समझता हूँ। बहुत फजूल नहीं बोलते हैं। अच्छा, नाराज मत, खबर तो सुन लो। जॉब लग गई है मेरी। मुबारक हो। एक मिनट। हाँ हाँ, ये इतनी रुकी सुखी मुबारक। हाँ तो क्या करूँ, भंगड़ा डालना शुरू कर दूँ? भंगड़ा मत डालो, लेकिन अरे बात सुनो, जॉब लग गई है मेरी। मैं चाहता था किसी मुख्तलिफ तरीके से इसे सेलिब्रेट करूँ। फयाज से बात करो, अब हमारे आगे के मराइल आसान हो जाएंगे। कौन से मराइल? रिश्ता, शादी, इन सब के मराइल। इन सब से मेरा क्या ताल्लुक? तुम्हीं से तो इन सब का ताल्लुक। चाचा फयाज से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, वरना एक बेरोजगार लड़के को अपनी बेटी तो नहीं देंगे ना। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपसे शादी करूंगी? मैंने कैसे सोचा? मैंने नहीं सोचा, मेरे दिल ने सोचा, हमारी नजरें भी यही कहती हैं। दिल दिमाग सब धोखा भी देता है। मैं धोखा नहीं खाता, उससे बड़ी बात है कि मैं धोखा देता नहीं। शादी तो मैं तुमसे करूंगी। हाँ कर सकते हैं भाई, पैसा है, दौलत है, स्टेटस है, और तो जॉब भी मिल गई है। जिसे तायबू ने मेरी बहन का जबरदस्ती रिश्ता करवाया, वैसे आप भी करवा सकते हैं। इफ्रा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं हूं। मेरी बहन उस घर में खुश नहीं है, राशिद भी उनकी इज्जत नहीं करते, और आप चाहते हैं कि अब मैं भी। लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी रजामंदी से, तुम्हारी मर्जी से अपनाऊंगा, जोर जबरदस्ती से इश्क करता हूँ मैं तुमसे। मुझसे पहले और कितनी लड़कियों से कर चुके? हाँ ये कोई 4-5, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह है कि किसी ने मुझे घास नहीं डाला। अब सोच रहा हूँ कि छठी बार शायद कोई घास डाले। यानी कि मैं हाँ समझू? जी नहीं, मैंने कब हाँ किए? मुस्कुरा तो रही है। हाँ तो मतलब? मतलब ये कि हंसी तो फंसी। अच्छा इफ्रा बात। अरे